कैसे हो भाई लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक लो बजट डिसेंट गेमिंग सिस्टम प्लस वीडियो एडिटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, अभी 3-4 दिन पहले कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि 35,000 के आसपास हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट आ रही थी। जैसे आपको पता होगा, हमने इंटेल पे, एएमडी पे दोनों पे ही बिल्ड किया है। इंटेल पे गेमिंग बिल्ड किया, टिपिकल गेमिंग बिल्ड, गेमिंग के सारे पार्ट्स हमने चूज़ किए गेमिंग को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी, वीडियो एडिटिंग को ध्यान में रखते हुए हमने राइजन बिल्ड किया। अब दोनों की ही प्राइस ना 70,000 के आसपास हो गई थी। वो बजट कुछ लोगों के लिए ज़्यादा है तो मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किए थे कि सर 70,000 हमारे लिए ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा बजट में सिस्टम डिज़ाइन करके हमें दीजिए। तो आज हम एक लो बजट सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि अल्ट्रा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो जाऊँगा तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा, ना उस पर सही से गेमिंग हो पाएगी, ना वीडियो एडिटिंग हो पाएगा। जहाँ तक बात है गेमिंग, हम डिसेंट गेमिंग की बात कर रहे हैं जिसमें फुल HD पे 60 FPS के आसपास मिल जाए मेजोरिटी गेम में, और उसी कंप्यूटर पे फुल HD रिजोल्यूशन वाले वीडियो भी एडिट हो जाए। ऐसा हम एक मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम पैसों में, ठीक है। हमें मतलब परफॉर्मेंस, पैसे हमारे कम चाहिए, बजट हमारा टाइट है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसे बचाने चाहेंगे ना, तो फिर कंप्यूटर बिल्कुल वो इजी कंप्यूटर बनेगा। वो MS ऑफिस कर सकते हो, वेब सर्फ कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जैसे 20,000 के और 10,000 के गेमिंग कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो गेमिंग कंप्यूटर नहीं होते, वो सिंपल कंप्यूटर होते हैं, बस वो क्लिक बेट होता है। मैं यहाँ पर जेन्युइनली आपको गेमिंग कंप्यूटर बनाने की दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है और कैसे पार्ट सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए जो मैंने CPU सिलेक्ट किया है वो है हमारा AMD Ryzen 3 1200। 5,000 की रेंज में इससे बढ़िया CPU अभी मार्केट में नहीं है। मैं इंटेल AMD दोनों की बात कर रहा हूँ। 5,000 की रेंज में मतलब कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने वाला CPU अगर कोई मार्केट में है ना, अभी आज करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ये है, ठीक है। इंटेल में मैं क्यों नहीं गया मैं बता देता हूँ। इंटेल में 5,000 की रेंज में जितने भी CPU है ना, वो पेंटियम वाले या पुराने i3 दो कोर 4 थ्रेड के साथ मिलते हैं, तो वर्चुअली 4 कोर होने से अच्छा है इस पर्टिकुलर CPU में फिजिकली 4 कोर है, प्लस ओवरक्लॉकिंग भी हो सकता है अगर किसी को करना है। हम नहीं करने वाले, लेकिन अगर किसी को करना है तो वो रास्ता भी खुला हुआ है। तो फिजिकली 4 कोर है वो ज़्यादा अच्छा है, वर्चुअली होने से अच्छा है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो 2 कोर वाले CPU के साथ भी बहुत सारे लोग गेमिंग करते हैं, लेकिन उनको ही पता होता है वहाँ पर कैसी गेमिंग होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। फिज़िकली 4 कोर वाले CPU के साथ गेमिंग डिसेंट हो जाती है, और 4 से ज़्यादा कोर वाले पे बढ़िया वाली हो जाती है। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 2 कोर पे वीडियो एडिटिंग बहुत मुश्किल है, 4 कोर पे डिसेंटली हो जाती है, और 4 से ज़्यादा कोर वाला CPU होगा उसमें बढ़िया वाली हो जाएगी। तो बिल्कुल स्वीट स्पॉट है, 5,000 में सबसे बढ़िया CPU है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और जैसे आपको पता होगा, हमने पूरा CPU पर रिसर्च किया था, उसमें भी इसको ही हमने बिल्कुल बेस पकड़ के चला था। मतलब इसके प्राइस को और परफॉर्मेंस को 100% कंसिडर करते हुए आगे का जो सारा रैंकिंग है ना, वो हमने दिया था। तो इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है 5,000 रुपये में, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे AMD कंप्यूटर्स में 5,150 दिखा रहा है, Amazon पे 5,300 के आसपास है, लेकिन लोकल मार्केट में जाओगे ना तो आपको 4,800 से 5,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, Ryzen 1200 11, ठीक है। ये देखो 5,300 दिखा रहा है, लेकिन आपको लोकल में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये 35-36 के आसपास सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो प्राइस आ रही है ना, वो Amazon इंडिया की प्राइस आ रही है। तो जो टोटल आएगा वो भी Amazon इंडिया के हिसाब से आएगा। तो ऑनलाइन जो चीज़ें होती है ना, वो जनरली थोड़ी सी महंगी होती है ऑफलाइन मार्केट से, कई बार उल्टा भी होता है, ऑनलाइन में सस्ता होता है, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो ये जो प्राइस आ रही है ना, आप इसको मत देखना, लास्ट में हम जब देखेंगे ना तो ये ऑनलाइन के हिसाब से आएगी। लेकिन ये सारे के सारे पार्ट आप अपनी लोकल मार्केट में जाके देखोगे ना, तो आपको राउंड अराउंड सारे पार्ट्स को, पूरे कंप्यूटर को मिला के मैं कह रहा हूँ, 4 से 5,000 का फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो उसको यूज़ कर लेना, या पुरानी मार्केट में भी देखना कोई पार्ट मिल जाए तो, जैसे कि रैम है या ग्राफिक्स कार्ड है या प्रोसेसर है या मदरबोर्ड भी है, अगर वो वर्किंग है तो वहाँ से भी ले सकते हो। तो ऐसे ही करके हम पूरे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट टाइट है। अगर बजट का कोई इशू नहीं होता तो मैं ये सारे रास्ते आपको नहीं दिखाता, मैं आपको बोलता कि परचेज़ कर लो। लेकिन अगर आप चाहें, बजट का इशू नहीं है, तो ऑनलाइन में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बजट जिनका टाइट है ना, उनके लिए सारे रास्ते आपको दिखा रहा हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो 4 से 5,000 का डिफरेंस पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे 45 आता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं कितना आएगा, लेकिन मान लो 45 आता है तो भी 40 में आपको ऑफलाइन मार्केट में पूरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कूलर की जहाँ तक बात है, हम इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को गेमिंग के लिए डिसेंट गेमिंग और वीडियो एडिटिंग को ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो हमारे लिए स्टेबिलिटी प्राइम फोकस है, प्लस बजट भी प्राइम फोकस है। अगर हम ओवरक्लॉकिंग में और उसमें जाएंगे ना, तो कूलर भी बढ़िया सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस मदरबोर्ड भी चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे 320 लेने वाले हैं, तो मदरबोर्ड भी हमें 350, 370 या 450, 470 में जाना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल फिर बजट बढ़ जाएगा। ठीक है, बजट हमारा टाइट है, इसलिए हम ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये सीपीयू भी अलाउ करता है और मदरबोर्ड भी इसके ऐसे मिलते हैं जिसपे आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कूलर हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ आता है, मोर देन इनफ इस पर्टिकुलर सीपीयू को ठंडा रखने के लिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपका बजट अलाउ करता है ना, तो आप थोड़ा सा बड़ा सीपीयू भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये 1300X है या 1400, जो भी आपका है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, 1200, 1300, 1400, तो परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करें तो ये सीपीयू सबसे बढ़िया है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, फिजिकली 4 कोर है, ओवरक्लॉकिंग भी हो सकता है, तो सारी चीज़ें डिसेंटली हो जाएगी। मदरबोर्ड में हम A320 वाला कोई भी आपको लोकल मार्केट में सबसे सस्ता जो भी मिले ना, वो ले लेना, किसी भी कंपनी का। ठीक है, 3500 से 4000 के बीच में आपको इसका मदरबोर्ड मिल जाएगा। अगर सेकंड हैंड में, मतलब देख लेना एक बार पुराने मार्केट में, कोई अगर बेच रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर चल रहा है वर्किंग कंडीशन में, सारे पॉट वो भी देखना चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो पहले नए में जाना, मिल जाएगा 3500-4000 में। ये कोई बहुत महंगा मदरबोर्ड नहीं है और बिल्कुल सबसे सस्ता चिपसेट है ये, मतलब बिल्कुल बजट जिनका टाइट है ना, जिस बजट में हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही यूजर को ध्यान में रख के इन लोगों ने ये चिपसेट भी रिलीज किया है और इसके मदरबोर्ड भी है। अगर हम, जैसे मैंने कहा, 350 में उसमें जाते हैं, तो हम वहां पे ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। वो जो मदरबोर्ड है माइक्रो वाले ही, वो 6 के आसपास मिलते हैं, ये आपको 3500-4000 में मिल जाएगा। तो मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा, ये ऑनलाइन की प्राइस है। इसी मदरबोर्ड को अगर आप लोकल में देखोगे ना, तो 3500-3600 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं रैम की तरफ। मेमोरी हम सिलेक्ट करेंगे 3000 MHz का वही मॉड्यूल जो हमने पिछली बार सिलेक्ट किया था। ठीक है, वेंजेंस LPX बहुत बढ़िया है इस पर्टिकुलर केस में, और बजट हमारा टाइट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। ये मेमोरी 8 GB की है 3000 MHz की, तो कंपैटिबिलिटी का तो कोई इशू नहीं है। स्पेस में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 8 GB के साथ इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स का कोई भी वर्क कंज्यूमर लेवल का, ऑडियो एडिटिंग और गेमिंग भी, ये तीनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया वाली हो जाएगी। मतलब इन तीनों में ही 8 GB से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 8 GB मोर देन इनफ है। लेकिन वीडियो एडिटिंग, मतलब इस कंप्यूटर पे सब कुछ करने वाले हैं ना, बहुत सारे लोग दोनों चीज़ें करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग भी करने वाले हैं प्लस गेमिंग भी करने वाले हैं, तो गेमिंग में तो कोई इशू नहीं आएगा, गेमिंग के लिए 8 GB मोर देन इनफ है। लेकिन वीडियो एडिटिंग में 8 GB रैम थोड़ी सी कम पड़ सकती है, और वो भी डिपेंड करता है आप किस तरीके के वीडियो एडिट करते हो। जैसे आप छोटे छोटे 3-4-5 मिनट के वीडियो एडिट करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लंबे वीडियो एडिट करते हो प्लस थोड़ा सा डिटेल में वीडियो एडिटिंग करते हो, तो फिर 8 GB कम पड़ सकती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है। अगर बजट अलाउ करता है तो दूसरी 8 GB की ऐड कर लेना, पूरी किट लेना, लेकिन अगर अलाउ नहीं भी करता है तो फिर कोई इशू नहीं है, वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करेगा आपका जो विंडोज़ है ना वो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 8 GB वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा कम है। तो मान लो कि आप जो वीडियो एडिटिंग करते हो उसमें 9 या 10 GB रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो ऊपर की ये जो 1-2 GB है ना, वो वर्चुअल मेमोरी हमारी जो SSD हम ऐड करेंगे ना, उसमें से यूज़ होगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका बजट, जैसे मैंने कहा, अलाउ करता है ना, तो फिर ऐड कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है, फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रख के भी। अब एडिशनल मेमोरी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। स्टोरेज में हम एक SSD तो सिलेक्ट करेंगे, WD की जो सबसे छोटी वाली है ना, 120 GB वाली, ये वाली 1700 की। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जब इस पर्टिकुलर बजट में सिस्टम बनाते हैं ना, 35 के आसपास या कम बजट में, तो वो लोग सीधा हार्ड ड्राइव पे चलते हैं, मतलब SSD नहीं लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, आज के टाइम में किसी भी कंप्यूटर में, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसका बजट चाहे कितना ही टाइट हो, एक SSD भले कम से कम साइज़ की, सबसे सस्ती से सस्ती SATA 2 ही हो, ये तो SATA 3 है, लेकिन एक SSD तो होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट SSD इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये CPU है जो हम GPU ऐड करेंगे, RAM ऐड करेंगे, पूरा सिस्टम जो बनेगा ना, उसका परफॉर्मेंस जो खिलेगा ना, वो SSD की वजह से ही खिलेगा, और इसीलिए मैं सबसे छोटी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ज़्यादा साइज़ में भी जाना, यहाँ पर M.2 में मत जाना, क्योंकि ये बोर्ड अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इस बोर्ड में सिर्फ बेसिक सारे कंपोनेंट मिलते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर CPU को लेके आप पूरा बेसिक सिस्टम बना सकते
सकते हो। इसी को ध्यान में रखिए बोर्ड डिज़ाइन किया गया है M.2, और उसमें जाना है तो फिर 350/370 में आपको जाना पड़ेगा, 450/470 में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ नहीं होगा तो सेटा SSD आराम से लग जाएगी, साइज़ का कोई इशू नहीं है। अगर आप 240 मतलब या 480, 500, 1000, 1 TB में भी जाना चाहते हो ना तो जा सकते हो, लेकिन मुझे अब लगता नहीं है कि इस बजट में जो भी ये 35 लोग बोल रहे थे ना 35-36, तो उसमें कोई जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जाना, थोड़ी सी बड़ी ले लेना, 250 तक तो चले जाना, लेकिन हमारा बजट टाइट है इसलिए मैं बिल्कुल सबसे छोटी सेलेक्ट किया है, ठीक है। एडिशनल स्टोरेज में हम 1 TB की WD की ब्लू ड्राइव जो है ना, जो हमने पिछले बिल्ड में भी सिलेक्ट की है, वो लेंगे 1 TB की, ताकि देखो मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने क्यों किया। इसमें विंडोज़ और सारे सॉफ्टवेयर आपके आ जाएंगे, SSD की वजह से परफॉर्मेंस मिलेगा, और जो सारी बाकी का स्टोरेज है, गेम्स हैं या वीडियो एडिटिंग की सारी फाइलें हैं, सारा जो भी यूज़र का डेटा है वो इसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा 1 TB का, ये परफॉर्मेंस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरा सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए SSD और HDD का कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने ये नहीं ली होती तो सिर्फ 1700 रुपये का फ़र्क पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1700-2000 डाल के बढ़िया वाला परफॉर्मेंस लेना चाहिए, ताकि ये बाकी के जो सारे पैसे हैं ना, 35-40 जो भी डाल रहे हैं, उनका भी हमें फ़ायदा मिले, ठीक है। अब वीडियो कार्ड में आपको RX 570 का कोई भी मिल जाए ना, 8 GB वाला, 4 GB वाला ले लेना। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है अमेज़ोन पे, देखो 8 GB वाला थोड़ा सस्ता है और 4 GB वाला महंगा है, ठीक है। तो अलग अलग सेलर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी लोकल मार्केट में, जहाँ तक मुझे पता है, ये जो 574 GB है ना, ये 13.5 के आसपास मिल जाता है, और ये 15 के आसपास मिलता है, ठीक है। तो आपको जो भी सस्ता मिले ले लेना। यहाँ पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस कम है, और हमें लास्ट में वो प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको 13.5 पकड़ के चलो, ठीक है। ठीक है, ऐड हो गया ये। अब उसके बाद केस भी आपको जो भी आपके लोकल मार्केट में सबसे सस्ता मिल जाए ना, वो ले लेना। यहाँ पे ये 2650 का दिखा रहा है, इससे सस्ता कोई है नहीं, लेकिन अमेज़ॉन पे मैंने देखा था, ये देखो 2000 का साइड पैनल वाला केस है, और अगर आपको साइड पैनल में उसमें नहीं भी जाना है ना, तो आपको 1200-1500 में भी बहुत बढ़िया वाला मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें प्राइस पता चले। अब पावर सप्लाई हम वही 450 का जो हमने पिछले बिल्ड में सिलेक्ट किया था वही हम करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने पिछले बिल्ड में कमेंट करके ये बोला था कि सर लोकल मार्केट में 2500 का मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे, इसमें भी पैसे बचेंगे, इसमें भी पैसे बचेंगे, इसमें भी बचेंगे, ठीक है। ओवरऑल लोकल मार्केट में जाओगे ना, तो यहाँ मतलब 1000-1500 हर एक चीज़ में, 300-500 मतलब जो भी चीज़ है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे होते होते 4-5 हज़ार का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ऑनलाइन लोगे तो ये इतने में ही पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन में जाना सस्ते में बन जाएगा। अब ऑप्टिकल ड्राइव हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, मॉनिटर आप फुल HD का जो भी आपको मिले ना वो ले लेना, TN पैनल अगर बजट अलाउ करता है तो, IPS में भी जाना क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी करनी है, लेकिन प्लस गेमिंग भी करनी है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन किया है ना 1200 के साथ और ये 570 के साथ, फुल HD पे 60 FPS मिल जाएंगे, तो आपको 60Hz से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 60Hz वाला फुल HD का मॉनिटर लेना, उस पर वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी, गेमिंग भी हो जाएगी, ठीक है। पावर सप्लाई में अगर आप थोड़ा ज़्यादा जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप ओवरक्लॉकिंग करने वाले हो CPU को प्लस GPU को भी, तो आपको थोड़ा सा 500 के आसपास जाना पड़ेगा, हम नहीं करने वाले इसलिए हम 450 रख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो टोटल बजट हमारा हो गया है 39378, लेकिन ये ऑनलाइन के हिसाब से है, हम देखते हैं अब कितने पैसे बच सकते हैं हमारे। इसमें जैसे मैंने कहा 2500 में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, और शायद मिलता भी होगा 2500 में, ये पावर सप्लाई बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे 1500 रुपये बच जाएंगे। यहाँ पे 1000 मान के चलो, 1500 में आपको अच्छा सा केस मिल जाएगा, ठीक है, 1200-1500 के बीच में, तो यहाँ पे 1000 पकड़ के चलो, कितने हो गए, ढाई हो गए, इसमें भी 1000, 3.5 हो गए। अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बिल्कुल कम से कम है, ये इतने की ही मिलती है लोकल मार्केट में भी, और इन मेमोरी में भी शायद ऑप्शन नहीं है, नहीं बचेंगे, मतलब इतने की है ऑफलाइन में भी, लेकिन इसमें शायद हो सकता है 200-300 और इसमें 200-300, तो टोटल मिला के 500 लगा लो, 3.5 और 500, 4000 रुपये, 39 में से 4000 निकाल दो तो 36 का ये सिस्टम आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल कम से कम लेने की कोशिश की है, प्लस परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा है। अगर मैं इससे भी कम चाहता तो जा सकता था, लेकिन फिर वो कंप्यूटर सिर्फ ऐसे ही बनता, मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 1050 सिलेक्ट कर लेता, अब 1050 आपको पता है कैसा कार्ड है, ठीक है, उससे तो अच्छा है कि कोई APU ले लेते हम, 1050 लेने से अच्छा है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे गेमिंग भी करनी है और वीडियो एडिटिंग भी करनी है, इसीलिए मैंने 570 सेलेक्ट किया। और 570 बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आप चाहो तो 1060 का 3GB वेरियंट भी ऐड कर सकते हो अगर आपका मन है तो, लेकिन 570 बहुत बढ़िया है, इसको ही रखना। और दूसरी चीज़ों में यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा देना, यहाँ पे भी मेमोरी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बढ़ा देना। और CPU में भी अगर आप थोड़ा सा हायर जाना चाहते हो तो चले जाना, लेकिन फिर थोड़ा सा बजट भी बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर बजट में ये जो 3536 में मैंने आपको बोला था, इससे बढ़िया सिस्टम आज के टाइम में हम नहीं डिज़ाइन कर सकते, ठीक है। सबसे बढ़िया सिस्टम है मतलब, और ये मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये राइजन 1200 के साथ और इस पर्टिकुलर GPU का कॉम्बिनेशन से आपको मेजोरिटी गेम में फुल HD रिजोल्यूशन पे, किसी किसी में हाई सेटिंग पे, किसी में मीडियम सेटिंग पे 60 FPS के आसपास मिल जाएंगे। और ये 4 कोर वाले CPU के साथ और इस पर्टिकुलर GPU के साथ और इस रैम के साथ आप डिसेंट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि इमेज एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वो तो आराम से हो जाएगी। सो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है तो पूछिए, कुछ भी रिकमेंडेशन है, कुछ सजेशन है तो भी बताइए, मैं अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है फिजिकली बिल्ड करने की, लाइनस सेबेस्टियन का कोई भी वीडियो देख लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है बहुत सारे वीडियो में, ठीक है। सो वंस अगेन गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बिल्ड करना, लोकल मार्केट में जैसे मैंने कहा सारे पार्ट सर्च करना, सस्ते में मिल जाएंगे। और हो सके तो पुरानी मार्केट में भी देखना, कोई पार्ट जैसे कि मेमोरी है, CPU भी ये पुराना है, ये भी पुराना है, तो शायद मिल जाएंगे आपको, ठीक है। SSD पुरानी मत लेना, ये कार्ड भी अगर पुराना मिल जाए वर्किंग है तो ले लेना, ये भी अगर पुराना मिल जाए तो भी ले लेना, तो आपको थोड़ा और कम में मतलब 30,000 के आसपास भी बन जाएगा, या शायद उससे भी कम में बनेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल नए नए पार्ट्स भी कंसिडर करें ना ऑफलाइन मार्केट में, तो भी 3536 में तो गारंटीड सिस्टम बन जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।